subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, welcome back to DK Education Academy. बच्चों आज हम करेंगे exercise 6.1 chapter 6 lines and angles class 9th mathematics. तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं ना. मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी. और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है. ध्यान देंगे बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 96 से लिया गया है, और क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. कहता है कि इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड ओ, यानी कि दो लाइन है, ठीक है, एक है ए बी और एक है सी डी जो कि इंटरसेक्ट करती है ओ पे. मैं एक काम करता हूँ, फिगर बना देता हूँ पहले. ये बेटे एक लाइन ए बी हो गई और एक लाइन है सी डी, कुछ यहाँ से ऐसे है. तो ये सी और ये डी, और ये इंटरसेक्ट करती है बेटा यहाँ पे ओ पॉइंट पे ना. ओके, अब इसके बाद लिखा है इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री. देखो ए ओ सी यानी कि आला एंगल, और बी ओ ई तो बी ओ ई ई बेटा यहाँ पे समवेयर यहाँ पे है, क्योंकि फिगर गिवन है आपको. तो ओ ई एक रे है, बी ओ ई ये वाला एंगल है, यानी कि इन दोनों का सम आपको गिवन है 70 डिग्री. अब आगे लिखा है कि एंड बी ओ डी एंगल बी ओ डी चेक करते हैं. बी ओ डी ये वाला है, ये आपको दे रखा है 40 डिग्री. ओके, कहता है कि फाइंड एंगल बी ओ ई यानी कि आला एंगल आपने फाइंड करना है, ठीक है, और रिफ्लेक्स सी ओ ई, और सी ओ ई का रिफ्लेक्स, सी ओ ई यानी कि इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स. आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से. क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ना समझ में आए. चलिए क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन के हिसाब से सबसे पहले क्या करना होता है, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं. तो बेटा गिवन इन्फॉर्मेशन में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है ना. तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी और सी डी एक लाइन है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है. तो हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर लाइंस, ठीक है बच्चों, कॉमा. इसके आगे क्या गिवन था बेटा, गिवन था आपको ए ओ सी प्लस बी ओ ई यानी कि इन दोनों का सम, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, आपको ये गिवन था, है ना, इन दोनों का सम. और साथ में बी ओ डी एंगल भी गिवन था, एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री. बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, और ये नहीं है कि हमने कहीं और से देख के लिखना है, सारा कुछ आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में से, वहीं से पढ़ के बस मैंने लिखा है, ठीक है. तो आगे देखते हैं, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी. अप टू फाइंड, अब आपको जो फाइंड करना है यहाँ पे, सो टू फाइंड में आपका सबसे पहले आपसे बोला गया था एंगल आई थिंक बी ओ ई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी में. फाइंड में लिखा है एंगल बी ओ ई, हाँ, तो एंगल बी ओ ई क्वेश्चन मार्क, और एक और मांगा था आपसे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स आपसे मांगा था, दैट्स इट. लेट मी चेक, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो यही सब था, और बाकी देखते हैं बस. हाँ, ए ओ सी बी ओ ई, ए ओ सी बी ओ ई, बस दैट्स इट, इतना ही है क्वेश्चन ना. चलिए ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है, और हमारा क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले हम याला एंगल निकाल लेते हैं, याला एंगल बहुत ईजीली कैलकुलेट हो सकता है. देखो दो मिनट के लिए मैं इसको एक्स कह दूँ, लेट से एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सॉल्यूशन पार्ट में, अगर मैंने बोला है तो. लेट एंगल सी ओ ई, सी ओ ई इक्वल टू एक्स, ठीक है. अब बेटा क्योंकि ए बी एक लाइन है और उसके ऊपर एक दो तीन एंगल है, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा, मैंने बताया था लीनियर पेयर, इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया था ना बेटा. तो बिल्कुल लीनियर पेयर से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, पहले ये आला लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आगे पीछे लिख सकते हैं, और फिर ये आला लिख लेता हूँ सी ओ ई, सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री. तो आई एम श्योर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. अब देखो
वी हैव AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE इक्वल टू 70, तो इन दोनों की जगह मैं 70 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों, प्लस इसकी वैल्यू मैंने x ली है और इक्वल टू में 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया, 110 डिग्री। लेकिन बेटा मेरे को x नहीं निकालना था, मुझे x नहीं मांगा गया था, मुझे इसका रिफ्लेक्स मांगा गया था, और रिफ्लेक्स मैंने बताया था कि किसी भी एंगल का आपसे रिफ्लेक्स मांगा हो तो उसको छोड़ के ये वाला एंगल निकालते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब उस एंगल को छोड़ के जिसका रिफ्लेक्स आपसे मांगा है उसको छोड़ के बचा हुआ पोर्शन, और ये निकालने का सबसे ईजी तरीका है कि इस एंगल को आप 360 में से माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स मिल जाएगा इसका। तो देखिए, नाउ जो आपसे मांगा गया था, नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कौन सा था बेटा, COE, तो हम कैसे निकालेंगे, 360 माइनस COE, यानी कि COE की वैल्यू तो x है ना, तो COE माइनस x, तो दैट मीन्स 360 माइनस x दैट इज 110 डिग्री, तो ये आ गया आई थिंक 250 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं, 0 6 में से गया 5, 3 में से गया 2, बिल्कुल ठीक है, तो 250 ये आपका एक आंसर हो चुका है। बट अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त, तो देखते हैं बेटा बचा हुआ पार्ट भी यहाँ पे कर लें थोड़ा सा स्पेस लेके। हाँ अब देखो, मेरे को ये वाला एंगल निकालना था, ओके एक काम करता हूँ मैं, इस ये भी सीडी भी तो एक लाइन है ना बेटा, और सीडी एक लाइन है, सीडी के देखो एक तरफ कितने एंगल है, 1 2 3 तीन एंगल हैं, देख सकते हैं ना आप, और तीनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे रीज़न लिखना भूल गया था, तो आप रीज़न ज़रूर लिखें, मैं LP शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लीनियर पेयर मतलब है ना, ओके तो मैं तीनों एंगलों को प्लस कर रहा हूँ लीनियर पेयर रीजन, तो एंगल COE ऑल्सो एंगल COE प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ बाय LP, क्योंकि यहाँ पे भी जगह थोड़ी कम है ना, बाय LP यानी कि बाय लीनियर पेयर। अब COE कितना है बेटा, COE आपके पास गिवन है, देखो ना COE x है और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है 110। अच्छा कोई बच्चा ये ना लगा दे 250, क्योंकि ये COE नहीं है, ये COE का रिफ्लेक्स है, ठीक है, तो बच्चे गलती कर सकते हैं, COE वैल्यू पुट करेंगे हम, COE कितना है 110 डिग्री, और BOE ये तो फाइंड करना है आपने, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा BOD आपको गिवन था 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 150 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है। सो कितना आ गया, 60, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया, 3 बचेगा ना, 6 कैसे लिखते हैं मैंने, 30 डिग्री, तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया है ना, तो दोनों पार्ट यहाँ पे हो चुके हैं और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN, तो XY और MN दो लाइन है, ये इसने पहली बोल दिया, तो चलो गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख भी देते हैं साथ साथ के XY एंड MN आर लाइंस, ठीक है कॉमा, आगे देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, इंटरसेक्ट एट O, दोनों के दोनों O पे इंटरसेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं फिगर में। आगे कहता है कि इफ एंगल POY, एंगल जो POY है वो 90 डिग्री आपको गिवन है, ओके एंड A:B इक्वल टू 2:3 है, और एक चीज और गिवन है, एंड A:B इक्वल टू 2:3 है, 2:3 था ना, हाँ यानी कि इन दोनों का रेशियो दे रखा है, इन दोनों एंगल्स का ना, और कहता है कि फाइंड सी, बस इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। सो यहाँ पे आएगा बेटा टू फाइंड, जो आपने फाइंड करना है वो है सी, सी यानी कि ये वाला है ना, ओके तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी कराया था इस तरीके का, जिसमें आपको रेशियो गिवन था, तो मैंने आपको समझाया था कि बच्चों आप क्या करेंगे कि जो आपको रेशियो गिवन है ना उसी रेशियो में एंगल्स को लेट कर लो आप, है ना, तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट ए की वैल्यू, ए की वैल्यू को 2x
और बी की वैल्यू को 3x, ठीक है, ए की वैल्यू को 2x और बी की वैल्यू को 3x लेट कर लेते हैं। आगे देखेंगे अब, हाँ अब क्योंकि ये एक लाइन है, क्योंकि ये एक लाइन है तो बेटा तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो चलो इसी चीज का यूज करते हैं कि नाउ वी हैव एक्स वाई इज अ लाइन, सो देयर फोर वी कैन से एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, है ना, या पी ओ एम, बात एक ही है। मैंने आपको एंगल रीड करना बताया था ना, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री रीजन में बाय लीनियर पेयर। ओके, अब देखिए पीओ वाई आपको गिवन है, इट इज गिवन दैट 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल ही आपके ए और बी, आप चेक कर लो एक्स ओ एम क्या है, एक्स ओ एम बी है, है ना, बी है, तो बी की वैल्यू क्या है, 3x पुट कर दो डायरेक्ट ही, है ना, और ये पी ओ एम कौन सा है, पी ओ एम ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 2x है, वही चेक कर लो 180। अब 3 और 2 5x हो गया ये, और ये उधर जाके माइनस का हो गया, तो 180 माइनस 90, तो x इक्वल टू 180 में से 90 गया तो 90 बचा, और ये 5 इंटू में था तो डिवाइड में आ गया, ये 18 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, है ना। अब क्योंकि x की वैल्यू आ गई है तो मैं a और b निकाल सकता हूँ मैं इसमें पुट करके, है ना, तो वही करेंगे, नाउ एंगल a इज इक्वल टू कितना था, 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री, है ना, और b इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 18 डिग्री, और ये आ गया आपका 54 डिग्री। चले ठीक है, बट मेरे आंसर्स में क्या चीज चाहिए मेरे को, c। अब c देखो, c यहाँ पे आएगा, ये रहा, यानी कि mn लाइन से आएगा, तो mn लाइन में अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो 180 लिख सकता हूँ, क्योंकि बेटा mn जो लाइन है उसके ऊपर ये दोनों ही एंगल है, और जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर, है ना, तो बस उसी का यूज करेंगे नाउ, या फिर ऑल्सो एम एन इज अ लाइन, सो देयर फोर वी कैन से के एंगल इस वाले को क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्स ओ एम प्लस इस वाले को क्या पढ़ेंगे, एक्स ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री रीजन में लिखेंगे बाय लीनियर पेयर। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ LP। ओके, अब देखो XOM बेसिकली B है, और B की वैल्यू आपको पता है 54 है, और XON बेसिकली C है, तो मैं इसकी जगह C लिख देता हूँ, इक्वल टू 180 डिग्री, सो C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, तो C की वैल्यू 126, चेक कर लेते हैं एक बार, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1 का 1, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आप नोट कीजिए। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ना, कहता है कि इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, यानी कि आपको गिवन इंफॉर्मेशन में हम ये लिख सकते हैं कि इन फिगर के, फिगर के अंदर थोड़ा सा झांक लीजिए भाई फिगर में जो भी है, और एंगल इसमें आपको गिवन है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, देन प्रूफ दैट, खैर वो प्रूफ दैट वाली बात बाद में पढ़ूंगा, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सा एंगल है, PQR मीन्स ये वाला एंगल हुआ है, PRQ मीन्स ये वाला एंगल, यानी कि अंदर के दो एंगल इक्वल है, और आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ, देखते हैं बेटे क्या बोल दिया है प्रूफ करने में। कहता है कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ओके, बस ये है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे बेटा। तो PQS मतलब ये भार वाला एंगल है ना, और PRT मतलब ये भार वाला एंगल, मतलब भार वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर रहा है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करें, या फिर चलो एक काम करते हैं उसका यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा और आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो,
तो मैं थोड़ा सा आपको अलग से बताता हूँ। देखो इट इज़ गिवन दैट के इट इज़ अ लाइन, है ना, ये एक लाइन है और लाइन पे बेसिकली ये दो पॉइंट है जिसके इस तरफ और इस तरफ लीनियर पेयर बन रहा है और इधर भी है। लेकिन मैं एक एक करके अगर काम करता हूँ, जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख सकता हूँ लीनियर पेयर से, तो हम वही करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे बताता हूँ मैं आपको कि एंगल कौन सा बेटा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री रीजन में बाय लीनियर पेयर। ठीक है, देखो ना ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा नहीं होगा। ओके अब एक काम करता हूं मैं, यहां से ये जो पी क्यू आर आप देख रहे हैं मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और ये क्वेश्चन नंबर वन मान लेता हूं। ठीक है, और सिमिलरली देखो सिमिलरली इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा, तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज ऑल्सो 180 डिग्री रीजन में बाय लीनियर पेयर। ओके अब देखो यहां से मैं पी आर टी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, नहीं पी आर टी की क्यों पी आर क्यू की सॉरी पी आर क्यू कितना होगा बेटा 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि सर आपने यहाँ से पी क्यू आर और यहाँ से पी आर क्यू की ही क्यों फाइंड करी है वैल्यू, उसका रीज़न बेसिकली यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये दोनों एंगल मुझे गिवन है, तो बेसिकली मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ तो इसीलिए मैंने इसको फाइंड किया ना। तो नाउ नाउ वी हैव, भाई क्या चीज़ है हमारे पास, एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, भाई पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के यही तो गिवन है ना हमें। अब इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन नंबर वन एंड टू से मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो पी क्यू आर की वैल्यू देखो ये रही, इसीलिए मैंने ये और ये वैल्यू फाइंड करी थी ना, तो देखिए इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी 180 माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू की वैल्यू ये रही, है ना, इक्वेशन नंबर टू में। सो 180 माइनस पी आर टी, ओके रीजन में आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू। ओके अब देखो 180 से तो 180 वैसे ही कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का बदल जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये जो पी आर टी आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है, चेक कर लो नेगेटिव है, इधर ले आओ इसको पॉजिटिव हो जाएगा पी आर टी, या फिर रहने दो मत लाओ, आप एक काम करो एज इट इज लिख दो, ये है माइनस का पी क्यू एस और ये है माइनस का पी आर टी। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है ये तो पता होगा, तो क्या आया पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, और ये तो प्रूफ करना था पी क्यू एस बराबर पी आर टी, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड, आई एम श्योर आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि इफ सॉरी इन फिगर 6.16 इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि इन फिगर जो भी फिगर में आप देख सकते हैं वो तो है ही है, इस फिगर में आपको ये एक चीज़ गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, बस यही गिवन इन्फॉर्मेशन है एकमात्र। और आगे कहते हैं देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन, बस इसके बाद इसने ये बोल दिया कि ए ओ बी इज़ अ लाइन, ठीक है, तो टू प्रूफ, तो बच्चे प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ओके देखते हैं प्रूफ में ना, अब देखिए इसको लाइन प्रूफ करने के लिए या किसी को भी लाइन प्रूफ करने के लिए, भाई अगर ये एक लाइन है और बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं समवेयर ओ, और मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, अगर मैं इस ओ पे एंगल
180 डिग्री प्रूफ कर दूं। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल देती है, 180 डिग्री का एंगल देती है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए ओ बी के एक तरफ के एंगलों का सम 180 डिग्री दिखा दूं, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये एक लाइन है। अब देखो, ए ओ बी के एक तरफ के एंगल ये भी हो सकते हैं एक्स प्लस वाई, या फिर ये भी हो सकते हैं डब्ल्यू प्लस जेड। तो इन दोनों में से किसी एक को मेरे को 180 डिग्री प्रूफ करना है, कुल मिला के बात पता चलती है। चलिए ठीक है, अब कैसे? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। भाई आप ये तो जानते हो, जैसे कि चलो एक ही बात दोबारा से यही चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ए समवेयर ओ और यहाँ पे बी। जैसे कि मैंने बताया 180 ऊपर है, तो बेटा 180 नीचे भी तो होगा, है ना? तो कुल मिला के एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है, 180 प्लस 180, ठीक है ना? तो बच्चों बस इसी चीज़ का हमने यूज़ करना है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। भाई मैंने यहाँ पे क्या बात लिखी कि बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जो सारे एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, हमने ये बात लिखी है। तो बस अब इन सारे एंगल्स को प्लस करके दिखा दो आप। तो बेटा देयर फोर एक्स प्लस वाई, भाई देखो ना, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड और ये रहा डब्ल्यू, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। भाई रीज़न मैंने ऊपर लिख ही रखा, तो रीज़न दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात, और ये जो x प्लस वाई है इसको ऐसे और w प्लस जेड को ऐसे ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इस वाले पोर्शन को तो मैंने ऐसे ही एज इट इज रहने दिया, लेकिन इस वाले पोर्शन की जगह मैंने एक काम किया कि w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दिया। भाई लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना? और आपने रीजन में लिखना हो तो लिख देना गिवन, भाई मतलब हमने यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया है। ओके, अब देखो आप जानते हो ना, एक आम प्लस एक आम बराबर दो आम होते हैं, या फिर x प्लस x बराबर दो एक्स होता है, ये बात जानते हो ना? तो बेटा ये x है, मान लो पूरा ही x है, तो एक एक्स प्लस एक एक्स बराबर दो एक्स लिख दूँ? अब आप कहोगे सर लिख दीजिए, चलो तो लिख देते हैं। तो ये हो गया बेटा 2x प्लस वाई, है ना? मैंने कहा ना, इस पूरे को आप एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ मान लो, मान लो t है ये पूरा, तो एक t प्लस एक t दो t हो गया, है ना? और इक्वल टू में 360। अगले स्टेप में 2 अपॉन में जाएगा तो डिवाइड से कट जाएगा, तो यहीं से काट देते हैं, 180 आ जाएगा। और देखो हो गया ना मेरा काम, मैंने इसके एक ही तरफ के एंगलों का सम 180 डिग्री दिखा दिया। भाई लाइन के एक तरफ के एंगलों का सम मैंने 180 डिग्री दिखा दिया ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाइन है। तो हेंस, या फिर इट मीन्स वी कैन से ए ओ बी इज अ लाइन, है ना? तो इसका मतलब ये है कि हम ये बात कह सकते हैं कि ए ओ बी एक लाइन है। तो ये हो गई बात आपकी प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। और आई एम श्योर डन है। देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि इन फिगर्स 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन। भाई पी ओ क्यू एक लाइन है, ये बात बोल दी इसने, तो पी ओ क्यू इज अ लाइन। ओके, पहले इंफॉर्मेशन तो ये गिवन थी आपको। अब आगे कहता है कि रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। जो रे ओ आर आप देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। परपेंडिकुलर मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो रे है, सॉरी लाइन नहीं रे, वो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, और ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, लाइक उल्टा टी, है ना, उल्टा टी। तो दूसरी इंफॉर्मेशन में आपको ये दे रखा है कि रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे कहता है कि फुल स्टॉप कहता है, ओ एस इज अनदर रे, और ओ एस जो है वो एक और रे है, ठीक है, ओ एस। ओके, अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, जो कि ओ पी और ओ आर के बिटवीन है, यानी कि समवेयर उनके बीच में कहीं पे। ओके, ठीक है, बस ओ आर
फुल स्टॉप कहते तो प्रूफ दैट है बस, मतलब यही गिवन इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं यहाँ से कॉमा हटा के एंड लिख देता हूँ, है ना। तो टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना है क्वेश्चन के अंदर वो है बेटा, कहता है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करते हैं इसको प्रूफ। बार बार मैं वही बात कहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसका यूज़ करना चाहिए हमेशा, ना। चलिए देखिए, कुछ चीज़ें हैं ना आपने सोचनी कर पड़ती हैं, फील करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि ये अगर इस पे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा, है ना, ये बात हम कह सकते हैं। तो बस मैं यही वाली बात का यूज़ कर रहा हूँ कि एंगल आर ओ क्यू और पी ओ आर, है ना, तो पी ओ आर बराबर है एंगल आर ओ क्यू के। भाई अब आप रीज़न, तो रीज़न में यही बात लिखो ना कि ओ आर जो है, चूंकि ठीक है ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, इसलिए हमने ये बात लिखी है ना बेटा, क्योंकि हमें पता है ना कि एक पूरी जो लाइन पे एंगल होता है वो 180 होता है, तो 180 में से 90 गया तो इस तरफ भी तो 90 ही बचेगा। ओके अब देखो, अब है ना, देखो क्वेश्चन को है ना, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन बेसिकली होते क्या है कि बच्चों को बड़ा परेशान करते ज्योमेट्री ना, ज्योमेट्री में आप ये कह लो कि यार जैसे कि अलजेब्रा होती है, अलजेब्रा में क्या होता है कि जो प्रीवियस स्टेप है उसको देख के हम नेक्स्ट स्टेप का आइडिया लगा सकते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3x और यहाँ पर लिखा है x, तो हमें अगले स्टेप का पता चल जाता है कि अगले स्टेप में 2x लिखना है हमने, है ना, और फिर उसके अगले स्टेप का ही पता चल जाता है कि x इक्वल टू 2 को उधर भेजना है मेरे को, तो ये पता चल जाता है। लेकिन ज्योमेट्री में ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है, तो ज्योमेट्री थोड़ा सा बेटा एज कंपेरिजन टू एलजेब्रा थोड़ा टफ, मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी टफ होती है। तो बच्चे यहाँ पे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ना फील करना है चीज़ों को, फील करना, जब तक आप फील नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा फील करो। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप है ना जो गिवन इन्फॉर्मेशन है और जो प्रूफ करना है उसका रिलेशन बनाने की कोशिश करो। जैसे कि गिवन इन्फॉर्मेशन का मैंने यूज़ कर लिया ये, है ना, अब इसकी बात ये है कि जो मेरे को प्रूफ करना है, तो अब आप ये देखो कि इधर से मेरे को इधर आना है तो मेरे को क्या क्या चीज़ की नीड है और मैं कैसे आ सकता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे को पी ओ आर की जगह, पी ओ आर इसमें कहीं पर चाहिए, नहीं कहीं पर भी नहीं चाहिए, तो पी ओ आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ। भाई मैं पी ओ आर को मैं लिख सकता हूँ, एक तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, आप चेक कर लो भाई, पी ओ आर को मैं दिस प्लस दिस लिख सकता हूँ ना। अब मैंने ये देखा क्या मेरे को इसकी जगह अगर मैं ये लिखूँ तो मेरे को फ़ायदा मिलेगा, तो मैंने देखा कि एक तो लिखूँगा मैं पी ओ एस जो कि मेरे को चाहिए था, एक मैं लिखूँगा एस ओ आर या फिर आर ओ एस, तो आर ओ एस बिल्कुल ये दोनों ही चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को फ़ायदा मिल गया कि इसको मैं ब्रेक करके दिस प्लस दिस लिख दूँ तो मेरा काम बन रहा है ना। तो मैंने इसको वही करा, मैंने इसको ब्रेक किया, भाई मैंने इसको पी ओ एस लिखा एक तो, और प्लस में आर ओ एस, है ना, तो आर ओ एस इसका तो काम हो गया। अब आर ओ क्यू, अब आर ओ क्यू को देखा कि आर ओ क्यू चाहिए, नहीं आर ओ क्यू भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आर ओ क्यू चाहिए नहीं है तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूं, क्योंकि ये तो अकेले ही एंगल है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें चाहिए क्या। तो बेटा ये तो मैंने निकाल लिया, कहीं ना कहीं ये भी निकाल लिया, अब रह गया क्यू ओ एस, तो ये देख लेते हैं क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस कौन सा, क्यू ओ एस ये वाला है। अब यार बात ये है कि ये 90 है और ये तो 90 से ज़्यादा है, तो भैया 90 को मैं 90 से ज़्यादा कैसे लिख दूँ। तो एक काम कर सकते हैं ना, मान लो कि 90 से 20 डिग्री ज़्यादा है, है ना, मान लेते हैं कि ये 110 डिग्री है और आपको 90 के इक्वल रखना है, तो बराबर में 90 था तो आपको 110 को 90 के इक्वल कैसे रख सकते हो, जब माइनस 20 करोगे जब भी तो 90 के इक्वल आएगा ना। यानी कि कुल मिला के बात इतनी है कि आप 90 की जगह पूरा लिख दो और उसमें से एक हटा दो, बात तो एक ही है। अब देखो ना, आप खुद देखो कि भाई मैंने इस 90 की जगह ये पूरा लिया, यानी कि एस ओ क्यू या फिर क्यू ओ एस, ठीक है क्यू ओ एस, और इसमें से ये वाला घटा दिया, ठीक है आर ओ एस। तो भैया जब इस पूरे में से ये वाला घटा दूंगा तो यही तो बचेगा, और देखो मेरा काम भी बन गया, मेरे को क्यू ओ एस भी मिल गया और आर ओ एस तो मेरे को ज़रूरत ही थी, तो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ मेरे पास रही नहीं है, तो इट मीन्स मेरा काम हो चुका है। अब बस मेरे को इनमें कैलकुलेशन करनी बाकी है। तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, देखो भाई मैंने देखा आर ओ एस दोनों जगह है, तो लाइक टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो आर ओ एस ये वाला तो ऐसे ही रहा, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया आर ओ एस। ओके अब इस तरफ क्या बचा, क्यू ओ एस,
और ये POS को मैं इधर भेज रहा हूँ क्योंकि मेरे को POS राइट हैंड साइड में चाहिए, और वैसे भी देखो ना माइनस का हो गया। अब एक ROS और एक ROS मिलके हो गया दो ROS, है ना, और इस तरफ एज इट इज क्योंकि कुछ करना ही नहीं था, अब तो क्वेश्चन तो हो चुका है। अब ये 2 × से डिवाइड में आ जाएगा अगले स्टेप में, तो ROS इज इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS, और आप चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था, है ना, और बिल्कुल प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड, और आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, लेकिन बिफोर दैट मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा था यहाँ पे, पिछले वाला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था उसकी जगह मैंने 4 लिखा हुआ था गलती से, बाय मिस्टेक, तो आप उसको 5 कर लेना। अब मैं जो कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कि कहता है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है। देखो इसमें यार आपको फिगर नहीं दी, फिगर आपसे खुद मांगी है, तो एक्स वाई जेड 64 है। एक बात हो, अगर कोई डिग्री 90 डिग्री का एंगल होता है तो कुछ ऐसा सा होता है, अब 64 क्योंकि 90 से छोटा होता है तो 64 समवेयर कुछ ऐसा सा बनेगा। भाई देखो ना, इसके सेंटर में से अगर लेता तो 45 आता, 90 का आता, उससे थोड़ा सा बड़ा ले लिया, है ना, तो 64 कुछ ऐसा सा बनेगा, कुछ ऐसा सा, ठीक है बेटा। तो इस एंगल का नाम क्या था, एक्स वाई जेड, और ये आपको गिवन था 64, और क्योंकि रफ फिगर है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बस लेकिन रफ फिगर को रफ की तरह बनाओ, ये नहीं कि आप 64 को यूं करके बना दिया तो भैया 90 से ही बड़ा बना दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इतनी बेवकूफ़ी भी मत करो ना, ठीक है, रफ है रफ की तरह बनाओ, लेकिन ऐसा भी मत करो कि बिल्कुल ही उस हिसाब से बना दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे कहता है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और जो एक्स वाई आप देख रहे हो उसको पी तक बढ़ाया गया है, मान लो कि समवेयर यहाँ पे कोई पी पॉइंट रहा होगा, है ना, तो पी तक बढ़ा दिया गया इसको, और आगे लिखा है पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर, आपने फिगर ड्रॉ करनी है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली, इफ रे वाई क्यू, एक रे है वाई क्यू जो कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, अब जेड वाई पी ये वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रही है यानी कि इसके बिल्कुल सेंटर में से जा रही होगी, बाइसेक्ट का मतलब आप जानती है, ये कौन सी रे है, वाई क्यू रे है, है ना, इसका नाम क्या था, वाई क्यू, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ वाई क्यू, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बाइसेक्ट मतलब समझते हो, ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब मान लो कि पूरा का पूरा लेट सपोज कि 120 होगा तो 60-60 कर दिया इसने, है ऐसे, ओके। अब कहता है कि वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो आपने फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख देता हूँ एक्स वाई क्यू, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, बस ये दो चीज़ें फाइंड करें, फाइंड एक्स वाई क्यू ठीक है, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन था, और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं, तो बेटा गिवन इन्फॉर्मेशन में हम ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई पी इज़ अ लाइन, भाई देखो ना इस वाले को जब आगे तक बढ़ाया तो ये लाइन कहलाएगी नहीं कहलाएगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि इन फिगर के अंदर एक्स वाई पी जो है वो क्या है, इज़ अ लाइन, वो एक लाइन है, और एंगल एक्स वाई जेड 64 है, एंगल एक्स वाई जेड 64 है, और इसके अलावा वाई क्यू जो है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, है ना, तो एंड वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, है ना, जेड वाई पी, बस ये गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब टू फाइंड, इस बार फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना, है ना, टू फाइंड, तो देखिए फाइंड में क्या क्या है, एक तो एंगल एक्स वाई क्यू है, एंगल एक्स वाई क्यू क्वेश्चन मार्क, और दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, ना क्यू वाई पी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इसको x लेट कर लेता हूँ, है तो ये भी x हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये वाली बात है ना, मेरे को शो भी करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, तो मैं शो भी करके दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको रफ कर दूँ जरा,
इससे कन्फ्यूज रहोगे आप। देखो तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले मैं यही लिख रहा हूँ कि जो एंगल जेड वाई क्यू है, जेड वाई क्यू, वो बराबर है किसके, पी वाई क्यू के या क्यू वाई पी के, है ना, क्यू वाई पी के, और बराबर मैंने उसको एक्स लेट भी कर लिया है ना, ये तो से है यानी कि मैंने उसको माना है, और इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर लिख रखी है मैंने क्योंकि बायसेक्टर है ना बेटा। ओके अब देखो ये एक लाइन है तो लाइन के इस तरफ के जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे कितने के होंगे बेटा, 180 के, तो तीन एंगल है तीनों को प्लस करके 180 आएगा। तो लिखो नाउ एंगल, देखो एक तो एक्स वाई जेड है, प्लस एंगल एक्स वाई जेड के अलावा, आगे देखेंगे ध्यान से, एक्स वाई जेड के अलावा कौन सा है, जेड वाई क्यू है ना, तो जेड वाई क्यू ठीक है, और प्लस क्यू वाई पी है, क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री रीजन में बाय लीनियर पेयर, ठीक है। ओके अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 64, ये मैंने x लिया है, ये भी मैंने x लिया है इक्वल टू में 180, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 180 डिग्री, माइनस 64 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू व्हाट, देखो ना 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर रह गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पे 1 एज इट इज, और ये जो 2 इंटू में था वो डिवाइड में आ गया, तो कैंसिल होके 2 5 10 और 2 8 16, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 58 डिग्री। खैर मेरा आंसर x नहीं है, अब मुझे जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उस पर ध्यान देता हूँ, एक मेरे को निकालना था एक्स वाई क्यू, तो देखता हूँ नाउ एंगल एक्स वाई क्यू, अब देखो एक्स वाई क्यू है क्या, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल है भाई, 64 में x को प्लस करेंगे तो एक्स वाई क्यू आ जाएगा, तो देखो तो एक्स वाई जेड में प्लस कर दूंगा अगर मैं जेड वाई क्यू को तो मेरे को मिल जाएगा, तो ये कितना 64 और ये कितना है 58, भाई 58 ही तो x की वैल्यू क्योंकि ये x ही तो है, तो दोनों को प्लस करके 8 4 12 का 2 कैरी हुआ 1 और 6 6 12 122 डिग्री आ गया एक्स वाई क्यू, ठीक है बच्चों। अगर आंसर पीछे गलत हो तो चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन एरर अगर हो रहा हो तो, वैसे होगा नहीं बट फिर भी ओके। अब देखते दूसरा क्या निकालना है, ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ किस चीज़ का, क्यू वाई पी का ना, तो क्यू वाई पी कैसे निकालने को समझाया बेटा, 360 में से जिसका रिफ्लेक्स मांगा है वही माइनस कर दो, तो क्यू वाई पी ही माइनस कर देंगे, तो 360, अब क्यू वाई पी को क्या है देखो चेक करो, क्यू वाई पी तो एक्स है, एक्स की वैल्यू 58 है तो 58 को माइनस कर देंगे, तो बेटा 302 साफ नज़र आ रहा है, 302 डिग्री। तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं पीछे इसलिए हुआ था कि आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकें, और ये आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, तो बच्चों क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ मैं, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।